नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पर। आज मेरे पास एक वॉश बेसिन सिंक का जो पाइप होता है वो पाइप है। आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये खुल जाता है ना। और ये इतना लंबा लगभग ये वॉश बेसिन वाला जो पाइप है हो जाता है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि इससे हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन ओपन अप कर सकते हैं। तो कर देंगे क्या, इसको अगर हम इस तरीके से पकड़ लें और घुमाना शुरू करें तो आपको दिखेगा कि इससे आवाज़ निकल रही है। हम ऐसे भी घुमा सकते हैं और आपको ये दिखेगा कि स्पीड। अभी मैंने जो पेपर क्लैपर वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मैंने थोड़ा सा स्पीड के बारे में भी बात की थी कि स्पीड और साउंड में क्या कुछ रिलेशन है, वो भी आप यहाँ पर बड़े आसानी से देख सकते हैं और दिखा सकते हैं। पहले मैं इसको धीमी स्पीड पे चलाता हूँ। अब मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। तो आपको दिखेगा कि स्पीड के साथ भी इसमें फ़र्क पड़ रहा है कि स्पीड इसकी क्या है, उससे इसके जो आवाज़ निकल रही है उसमें कुछ फ़र्क है। तो स्पीड और साउंड का फिर से एक डिस्कशन ओपन अप हो सकता है। दूसरा, आप अगर इधर देखोगे तो इसका ये जो एंड है ये पतला है और ये वाला जो एंड है ये थोड़ा सा चौड़ा है इसके कंपैरिजन में। तो अभी मैं क्या कर रहा था कि ये जो चौड़ा वाला एंड था वो नीचे था और पतला वाला एंड से मैं घुमा रहा था, है ना। अभी मैं उल्टा कर देता हूँ, चौड़े वाले एंड को ऊपर रखता हूँ और पतले वाले एंड से मैं पकड़ता हूँ और फिर घुमाता हूँ और तब देखते हैं कि कैसी आवाज़ निकलती है। काफ़ी स्पीड में घुमाते हैं तब हल्की हल्की आवाज़ निकलती है। तो वो क्या एरिया का फ़र्क है, हम बहुत सारे डिस्कशंस ओपन अप कर सकते हैं सिर्फ एक बड़े ही सिंपल से सेटअप के साथ।